अपना टॉपिक क्या चल रहा था, क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में मैंने आपको त्रिभुज कंप्लीट करवा दिए, उसके बाद में आपको आयत भी करवा दिया। आज चतुर्भुज का दूसरा प्रकार अपने को क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ी सी वर्ग के बारे में चर्चा करा, फिर बाद में आपको वर्ग का प्रश्न पढ़ाना, ठीक है। ध्यान दो, वर्ग स्क्वायर वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग क्या मतलब है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी जबकि चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री को है, वह केवल आपा वर्ग बोला। और वर्ग के दोनों विकर्ण, वर्ग में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं, और वर्ग के दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर है समद्विभाजित करते हैं। आयत में मैंने आपको क्या बताया था, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वहां पे मैंने ये बताया था कि समान दो भागों में काटते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण का मतलब है 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चीज थोड़ी सी समझा दू मैं, वर्ग क्या बोला, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। चार भुजा बराबर है चतुर्भुज की, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री को है, 90 डिग्री को है, प्रत्येक कोण समकोण है, बेन के बोला आप वर्ग। जैसे ए बी सी डी, ये क्या एक है, वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी, कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ओ कोण कितना डिग्री को है, 90 डिग्री को, ओ कोण भी 90 डिग्री हो सी, ओ कोण भी 90 डिग्री हो सी, ओ कोण भी 90 डिग्री हो सी, कितना विकर्ण किसका आपा, दो विकर्ण किसका, चतुर्भुज में दो विकर्ण की ज्यादा आवश्यक है। ओ विकर्ण, ए विकर्ण एक दूसरे ने देख रहे, मान लिया आपा ओ पर प्रतिच्छेद करना है, तो विकर्ण एक दूसरे ने समान दो भागों में बांटे, अगर आप कोण कितना डिग्री को बना होगा, 90 डिग्री को कोण बना होगा, ठीक है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण का मतलब है 90 डिग्री पर, समकोण पर है समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। वर्ग की चार भुजा बराबर है, आप भुजा अगर मैं ए कह दूं, आप भुजा भी कितनी वेगी, ए वेगी, आप भी कितनी वेगी, ऊपर ली ए वेगी, आप भी कितनी वेगी, ए, क्यों वेगी, चार भुजा के है बराबर। अगर आप मैं 10 मान ली, आप भी 10 वेगी, आप भी 10 वेगी, आप भी 10 वेगी। तो वर्ग है वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अपन चतुर्भुज में दो विकर्ण खींचा, चतुर्भुज में कितना विकर्ण खींचा, दो विकर्ण खींचा, दोनों विकर्ण के वे वर्ग का, दोनों विकर्ण के वे बराबर है। और वर्ग का विकर्ण एक दूसरे 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी के, ठीक है। इससे आगे अपने को क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना होता है, परिमाप और क्षेत्रफल।
प्रमाप और चेतन। बात करें अपने प्रमाप की, इसका प्रमाप क्या होता है भाई? प्रमाप, प्रमाप का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये बताया था, प्री का मतलब क्या होता है? चारों ओर। माप का मतलब मापना, चारों ओर से मापना, चारों ओर नापांगा। तो आप बात करें पहली आ बुझा थोड़ा आ कितनी मानी आप ए आगे कितनी है ए दो ए और बात करें आप आएंगे विकिरण की, तो विकिरण क्या है? विकिरण का सूत्र क्या होता है? अपन बताए वो कौन कितना डिग्री बने? 90 डिग्री। वो एक त्रिभुज भी बन जाए त्रिभुज को के कारण और आप जो बराबर है तो अठवा पद ये निकाल सका, विकिरण निकाल सका, सीधा डायरेक्ट सूत्र भी याद रख सका। विकिरण को जो मान है वो है अंडर दो गुना भुजा। याद रखिएगा वर्ग के विकिरण का जो मान होता है वो कितना होता है? अंडर दो गुना भुजा। भुजा का अंडर दो होता है, ठीक है? अगर भुजा 10 है तो विकिरण कितनी होगी? 10 अंडर रूट है 2। अगर भुजा 25 है तो विकिरण कितनी होगी? 25 अंडर रूट है 2। दोनों विकेट जो है बराबर आगे पटा बा और नोट कर लिए सारा। जल्दी से नोट करो। पढ़ रहे देश का परिमाप हो रहे हैं क्षेत्रफल। परिमाप क्यों? चार गुना भुजा। क्षेत्रफल क्यों? भुजा गुना भुजा। विकिरण क्यों? अंडर दो गुना भुजा। जैसे अपने आयत में पढ़ी थी तीन कंडीशन, आयत में क्या कंडीशन पढ़ी थी? जब एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ x मीटर रास्ता हो, अंदर की तरफ x मीटर रास्ता हो, बीचों बीच x मीटर का रास्ता हो, तो वही तीनों कंडीशन किस में बनेगी? वर्ग में बनेगी। तो पहले वो तीनों कंडीशनों के मैं क्या लिखवा देता हूँ आपको सूत्र, फिर आगे आप प्रश्न बढ़ाओ। पहली कंडीशन की है कि जब एक वर्गाकार, जब एक वर्गाकार मैदान वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ एक्स मीटर चौड़ा रास्ता हो, तो अब समझिए आपसे इसी रास्ते का क्या पूछेगा सवाल में? परिमाप और क्षेत्रफल पूछेगा। मैं लिखाया गया जब एक वर्गाकार मैदान है, ओके वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान के चारों ओर ए वर्ग की भुजा कितनी है? ए मान लें आप, आ कितनी है? ए। आ भी कितनी हो जाएगी? ए। ए वर्गाकार मैदान के चारों मेर
बारे की तरफ, चारों ओर बाहर की तरफ लिखा है ना, चारों ओर बाहर की तरफ ऐसी कोई रास्ता बना है एक्स मीटर का, ऐसे एक्स मीटर का क्या बना है, एक रास्ता। तो इस रास्ते का परिमाप हो रहे क्षेत्रफल, वो कितना मीटर का रास्ता है, एक्स मीटर का। अठू नापोगा तो भी एक्स मीटर है, अठू नापोगा तो भी क्या है, एक्स मीटर है। कहीं से भी नापोगे एक्स मीटर का रास्ता है, तो पारले की भुजा कितनी हो जाएगी। अब देखो वो है ए, ठीक है, एक्स इनू बट गयो, एक्स बटे रहो और एक्स इनू बट गयो, तो एक्स और एक्स की तो बट गयो दो एक्स, एंगी भुजा होगी ए प्लस है दो एक्स, और एंगी आ भुजा भी कितनी हो जाएगी ए प्लस है दो एक्स, ठीक है। अब अपन ने सवाल में ये पूछा हो कि रास्ते को परिमाप और क्षेत्रफल, रास्ते को अपन परिमाप और क्षेत्रफल निकाल ले। एक तो तरीको है कापा अंदर जो छोटो वर्ग बनेड़ो है, वर्गाकार मैदान, ए वर्गाकार मैदान को क्या निकाल लिया आप, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालो सूत्र के भुजा गुणा भुजा निकाल लिया। तेरे बार ले को आप क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर छोटी को घटा दिया, क्या वो बच्चे को रास्ते को क्षेत्रफल बच्चे को। एक तो तरीको है, दूसरो आप डायरेक्ट सूत्र बता दू तो सूत्र याद रख ले। पहले तो फिर इसका पढ़ते हैं परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, चार गुणा भुजा, चार गुणा भुजा, तो बार लगी भुजा कितनी होगी ए प्लस दो एक्स होगी, तो ये हो जाएगा ए प्लस चार गुणा ए प्लस है दो एक्स, वो क्या सूत्र बन गयो परिमाप को सूत्र, समझ में आ गयो परिमाप को सूत्र क्या बनाएगा आप, चार गुणा भुजा है और भुजा कितनी आएगी ए प्लस है दो एक्स, तो परिमाप को सूत्र हो गयो ए प्लस दो एक्स। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा की स्क्वायर, लेकिन आपा तो एम ये निकालना पड़ेगा, पहले एम ओ निकालना पड़ेगा फिर एम ओ निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालना भाई आपा, इसका सूत्र होता है चार एक्स ए प्लस है एक्स, और आप निकाल के देख सकते हो बार लेव क्यों है ए प्लस है दो एक्स की स्क्वायर, एम ओ आपा अंदर आ रहा हो घटा दिया, अंदर आ रहा हो क्या माइनस है ए स्क्वायर, देखो जानी एन आपा एक्स प्लस वाई के स्क्वायर के सूत्र को ला, तो स्क्वायर का सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर प्लस है चार एक्स स्क्वायर प्लस है दो एक्स वाई, दो दो एक्स और है ए माइनस है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हूं ए स्क्वायर कट गयो। अब हम देखो चार बार कॉमन आ रहा है एक्स बार कॉमन आ रहा है, चार एक्स में खेले दूंगा बार है कॉमन कट के बच्चे को एक्स और इनने के बच्चे को दो दो चार कॉमन गए एक्स कॉमन गए के बच्चे को ए, देखो जानी आपको वही है चार एक्स ए प्लस एक्स, और इसमें क्या है एक्स प्लस ए आगे पीछे तो है क्या है चार एक्स है ए प्लस है एक्स, वो सूत्र पढ़ गयो या फिर सीधो डायरेक्ट सूत्र याद रख लो, क्या जब एक वर्गाकार मैदान, जब एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ एक्स मीटर रास्ता हो तो रास्ते का परिमाप, परिमाप क्या होता है चार गुणा भुजा, चार गुणा भुजा, भुजा कितनी है ए प्लस है दो एक्स, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा चार एक्स ए प्लस है एक्स, वो तो है बारह की तरफ, अगर आपने ये देखे अंदर की तरफ है तो ए प्लस की तरफ किया जाए वो माइनस, तो सुराक्ष को तो नोट कर लिए नहीं, चलो आ जाओ दूसरी कंडीशन होने पर, जब एक वर्गाकार, जब एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ, अंदर के तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता हो, रास्ता हो तो परिमाप हो रहे क्षेत्रफल। जैसे ये क्या है कि वर्गाकार मैदान है, जगह की भुजा कितनी मान लिया आप ए, इनकी भुजा कितनी है आ ए, आ भी क्या होगी ए और आ भी क्या होगी ए और आ भी क्या होगी ए, ए बी सी डी, ये एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब हां मान या रस्तों बने हुए एक्स मीटर,
रास्ता है वो परिमाप और एमो क्षेत्रफल, तो रास्ते को बढ़े हैं ए रास्ता को क्षेत्रफल क्या निकाला। अब देखो इन अंदर आ रहा है वर्ग की, वर्ग ही बने वो अंदर एक छोटा वर्ग बनेगा और इस वर्ग का भुजा क्या हो जाएगी। अब भुजा निकाला आपका इनू कितनी कम हो गया x कम होगी, इनू कितनी कम होगी x, आप ये बन जाएगी a माइनस है 2x और आप भी क्या हो जाएगी a माइनस 2x, आप भी a माइनस 2x और a माइनस है 2x। अपन निकाल लो यार रास्ते को परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है चार गुना भुजा और इसकी भुजा कितनी होगी रास्ते की a माइनस 2x, a माइनस है 2x और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है भुजा की स्क्वायर। एक तरीको तो है कि आप बाहर ले पूरे बड़े वर्ग को क्या निकाल जा क्षेत्रफल, छोटे वर्ग को क्या निकाल जा क्षेत्रफल, मैं वो माइनस कर देगा तो क्या जो आपने करें रास्ता को क्षेत्रफल या तो डायरेक्ट सूत्र याद रख सको मैं बता पीछे अठे क्या जाओ प्लस आ जाओ माइनस आ जाओ सूत्र बढ़ जाओ आप चार एक्स ए माइनस है एक्स, ये क्या बन जाएगा रास्ते के क्षेत्रफल का सूत्र। जब एक देखो थोड़ी सी वापिस और रिपीट कर दू, जब एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ एक्स मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का बाहर की तरफ हो तो रास्ते का परिमाप क्या हो जाएगा बताइएगा सुनील, परिमाप क्या होगा चार ए प्लस दो एक्स, क्षेत्रफल क्या होगा और अंदर की तरफ हो तो परिमाप चार ए माइनस दो एक्स, क्षेत्रफल ए माइनस है एक्स। यही अपन के बनाते लंबाई और चौड़ाई या मैदान की भुजा के समांतर जब एक वर्गाकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई या भुजाओं के समांतर बीचों बीच, बीचों बीच x मीटर, x की जगह आपको स्वाद में कोई 10 मीटर 5 मीटर जो भी आएगा मान देगा आपको, x मीटर चौड़ा रास्ता हो तो, रास्ता हो तो इसका आपसे कभी भी परिमाप नहीं पूछेगा, सिर्फ डायरेक्ट क्या पूछेगा क्षेत्रफल की पूछेगा, हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। पहले क्या समझो देखो ओके एक है वर्गाकार मैदान है, ए बी सी डी के लिए वर्गाकार मैदान की भुजाओं भुजाओं या लंबाई चौड़ाई के समांतर बीचों बीच ऐसे और ऐसे रास्ता बना दे तो इस रास्ते का परिमाप नहीं पूछेगा क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो तो रास्ते को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो एम के बन गयो आकृति बन गई एक दो क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरो ए आकृति को अपन क्षेत्रफल निकाल लिया और आज की आकृति है दो बार ही बनी आगे आगे कर देगा माइनस, ये जो आकृति बनी है वो किसकी बनी है आयत की आकृति बनी और आयत का क्षेत्रफल लंबाई कितनी है आप ए मान लिया आप भी क्या होगी ए और आप भी क्या होगी ए और आप भी क्या होगी ए और ए रास्ते को जो चौड़ाई है कितनी है एक्स मीटर है तो जो एक्स ए पहली आकृति की बात है फर्स्ट आकृति ए आकृति को क्षेत्रफल क्या हो जाए वो एक आयत है आयत को क्षेत्रफल क्या लंबाई गुना चौड़ाई आएंगे की है लंबाई लंबाई की है देखो जरा ए और चौड़ाई का कितनी है एक्स एम तो पहली आकृति को क्या हो जाए क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई तो लंबाई ए चौड़ाई कितनी है एक्स और ए प्लस ए दूसरी आकृति को निकाल लिया दूसरी आकृति की लंबाई कितनी है एक्स और चौड़ाई कितनी है आ चौड़ाई है आ कितनी है देखो जरा ए एम भी क्या हो जाओ ए माइनस ओ जो को अंदर बने हो के बने आ भी एक्स मीटर की है 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 देखिए जी चारों भुजा बराबर है मैं क्या बोला आपा वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम कॉमन क्या आ रहे एक्स बारे कॉमन ले लिया ए और ए क्या हो गया दो ए माइनस एक्स भी क्या बन गया अपना सूत्र तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वो तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा x 2a माइनस x
सीधा डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हो, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स है तो ए माइनस है एक्स। हाँ बोलो, ये द्वारा बता रहा है, ठीक है। देखो अगर आप भूल जावा तो आटोसी तो निकालस का वो एक आयत की आकृति बन गई, आयत को क्षेत्रफल किया हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, आएंगी लंबाई ए गुणा चौड़ाई, आएंगी चौड़ाई है एक्स गुणा एक्स, ए पहली आकृति को क्षेत्रफल आ गई प्लस अब दूसरी आकृति आ बन ला रही है, अपन रास्ते को निकाल रहे हैं, रास्ते दूसरी आकृति आ बन ला रही है, लंबाई कितनी है एक्स और आ चौड़ाई कितनी है ए, ए लंबाई गुणा चौड़ाई आज की है, आज दो बारी आ गई आ की है वर्ग है, वर्ग को क्षेत्रफल के भुजा के इसके भुजा की किए एक्स से एक्स की स्क्वायर, अब एक्स से एक्स से एक्स से हम एक्स के निकाले हमारे कॉमन आठ के बच गए ए और आठ के बच गए ए, ए कितना हो जाएगा दो ए माइनस एम अपना एक्स बार कॉमन ले गया तो के बच्चे एक्स को आप लोग केवल जो क्षेत्रफल को सूत्र, तो रास्ते के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है एक्स दो ए माइनस ए एक्स हो, ठीक है। पल्ला पढ़िए अपन के चीज पढ़िए वापिस थोड़ा सा रिपीट करो जरी, एक शुरुआत क्या किया था आपने वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं वह चतुर्भुज इसके चार हो जाए बराबर हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है वर्ग, वर्ग के दोनों विकिरण, वर्ग के दोनों विकिरण है, वर्ग के विकिरण एक दूसरे को, वर्ग का परिमाप कर वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप चार गुणा भुजा क्षेत्रफल विकिरण दो गुणा भुजा, और जब एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर के सॉरी बाहर की तरफ x मीटर रास्ता हो तो रास्ते का परिमाप चार a प्लस है क्षेत्रफल है और जब एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता हो तो चार a माइनस दो x से चार क्षेत्रफल किया जो और जब वर्गाकार मैदान की लंबाई चौड़ाई या भुजाओं के समांतर बीचों बीच x मीटर चौड़ा रास्ता बनाओ तो रास्ते का क्षेत्रफल है दो x माइनस x, ठीक है यस। चलो एम आगे हमारा क्वेश्चन पढ़ना और बहुत पहली था थोड़ी सी एक चीज चलो बातचीत लास्ट में नोट करवा दूंगा कि बड़े एम वर्ग में परिवर्तन और अंतःवर्ग का क्वेश्चन भी बने, जी हाँ एक वर्गाकार अपन दे दियो मैदान में चारों ओर के खींच दियो एक वर्ग खींच दियो बाहर की तरफ या अंदर की आकृति के बना दे वर्ग बना दे बातचीत था थोड़ी सी नोट करवा दूंगा बाद में कल और क्वेश्चन लिखो जरा क्वेश्चन देखिए एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 16 मीटर है, 16 मीटर है, परिमाप क्षेत्रफल व विकिरण ज्ञात कीजिए, परिमाप क्षेत्रफल व विकिरण ज्ञात कीजिए, निकाल दो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है टॉपिक को सारा सिंपल क्वेश्चन बताओ जल्दी। एक वर्ग की भुजा 16 मीटर परिमाप और क्षेत्रफल विकिरण ज्ञात करना है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 256। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अपन, भुजा क्या लिखा अपन, भुजा लिखते हैं या नहीं अपन ए लिखा, कितनी है 16 मीटर, कितनी दे रखी है 16 मीटर परिमाप चार गुना भुजा, चार गुना भुजा भुजा कितनी है 16 चौका 64 मीटर की आ गयो परिमाप। एक मैदान के ऊंचे मां क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भुजा की स्क्वायर 16 गुना 16 भुजा की स्क्वायर या भुजा गुना भुजा करते हैं आप 16 गुना 16 16 16 गुना 16 कितना 256 और इकाई क्या लगती है इसके साथ मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो 256 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। और विकिरण का सूत्र क्या होता है √2 गुना भुजा, तो √2 गुना भुजा कितनी है 16 अंतरा माना जो 16 √2
मीटर, ये इसका क्या आ गया विकिरण आ गया। अपन सवाल में क्या पूछे, परिमाप पूछे, क्षेत्रफल पूछे और विकिरण पूछे। परिमाप, क्षेत्रफल और विकिरण का सूत्र दिखा दिया। परिमाप को सूत्र क्या, चार गुणा भुजा, चार गुणा सोलह, सोलह चौका चौसठ। क्षेत्रफल क्या है, भुजा की एरिया, भुजा गुणा भुजा, सोलह और सोलह कितना जाए 256 मीटर स्क्वायर। विकिरण क्या जाएगा, अंडरूट दो गुणा भुजा, अंडरूट दो गुणा भुजा, भुजा कितनी है सोलह, सोलह अंडरूट दो मीटर, इसका क्या आ जाएगा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप बहत्तर मीटर है, एक वर्ग का परिमाप बहत्तर मीटर है, क्षेत्रफल व विकिरण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल व विकिरण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल व विकिरण ज्ञात कीजिए, जल्दी से निकालो सारा। हाँ जल्दी तो मंजू, मंजू को ममता, मोनिका, कांता, नीतू, अनीता, जल्दी जल्दी बताइएगा। वंदना जल्दी बताओ, आज वह कविता बनी। सुमन पीछे, हाँ भौजी जल्दी से बता दिया। एक वर्ग को परिमाप दे, बोले सिंपल सो प्रश्न है, की करिए इसका ध्यान करो, सारा टाइम परिचय ध्यान करिए। वर्ग का परिमाप, आपको सवाल के अंदर क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो क्षेत्रफल उस सूत्र के बाद भुजा की स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, भुजा अपन दे रखी है कि कौन दे रहा है, तो आप कठो निकालना जो कि चीज आपने दे रखी है, देखिए दे रखे परिमाप, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र दो चार गुणा भुजा, चार गुणा भुजा मान ली तो है बेहतर, भुजा कितनी आ जाएगी अठारह। अपन बेहतर में चार को बाद दिया, जल्दी से बता दे पढ़ो बना तो लिखी तो अठारह सौ का बेहतरी होगी, ठीक है अठारह मीटर क्या आ जाएगी इसकी भुजा आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को सूत्र क्या है, भुजा गुणा भुजा या अठारह गुणा अठारह, अठारह अठारह किताब 324 और इकाई के अलग मीटर है, एरिया वर्ग है मीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। और एक मैं एक चीज और पूछिए सवाल में, आप दूसरी चीज के पूछिए विकिरण, अरे विकिरण को सूत्र क्या है, रूट दो गुणा रूट दो गुणा अठारह गुणा अठारह नहीं होता है, ठीक है अठारह रूट दो गुणा गुजा, गुजा कितनी है अठारह, अठारह अनरूट है दो मीटर, क्या आ जाएगा इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंट आप बड़े सारे एमबीए वाले सारा सारा सब कुछ भी पी है, सब भी कुछ पी सब कुछ पियो, क्यों है कि दिमाग से चला नहीं वो ऐसा कुछ पी ले या फिर बादाम खा ले तो अपना याद हो जाए, तो मैं तो ठंडे दिन ही पी ली, ठीक है वीरवार है, चलो
कह लियो तो लिखो आगे उस पर एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 961 मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 961 मीटर स्क्वायर है। परिमाप व विकर्ण ज्ञात कीजिए। 961 मीटर स्क्वायर। परिमाप और विकिरण ज्ञात करना है अपने को, परिमाप और विकिरण ज्ञात करना है। अब देखो अपना निकालना है परिमाप और विकिरण। परिमाप का सूत्र क्या होता है? चार गुना भुजा। लेकिन भुजा नहीं दे रखे, जो अपने पास मान दिया गया उसी से क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। अब अपन मान क्या दे रखे हैं? क्षेत्रफल को। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा की स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को मान लिया, भुजा अपना भुजा को मान कितना है? 961। अब भुजा कितनी आ जाएगी? वो कितना हो गया 961 है, 31 का होता है, तो ये हो जाएगा 31 मीटर। क्या आ जाएगी? भुजा। भुजा आ गई 31 मीटर। अपन निकाल लो कि है परिमाप। परिमाप होता है 4 गुना भुजा और 4 × 32 गुना करोगे 4 और 4 किया 12, 124 मीटर। क्या आ जाएगा इसका परिमाप? और दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा इस सवाल में? विकिरण पूछा है। विकिरण का सूत्र क्या होता है? √2 गुना 32 भुजा, तो 32 √2 मीटर। क्या आ जाएगा इसके विकिरण? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 961 थोड़ा सा ध्यान करवाते मैं एक थोड़ी और दिक्कत कराता। 961 वर्गमूल में क्या बनते हैं? दो के जोड़े बनते हैं। ठीक है, दो का जोड़ा बना दो एक अरे दो को बच्चे मैंने अलग रख दिया जोड़ो कौन बढ़ना है। ठीक है, अब देखो लास्ट में 10 का ही तो सारा याद होना ही चाहिए। लास्ट में एक को कहना है, एक तो एक गुणा एक, एक को वर्ग की तो है एक, और एक बात करें अपन 9 × 9 ने 9 करा दिया, नीम 9 ने 9 करा दिया 81 के लास्ट में क्या है? एक को या तो है वो इकाई है, एक है वो या क्या है वो 9 है, या तो एक है वो या 9 है। अब 9 देख लो कितना होगा के सारे 3 × 9 और 4 × कितना होता है? 16। तो इसका जो दायक होगा वो होगा 3 × 9 होता है 3 होगा। तो इससे इकाई तो हम बने वो 1 और 9 दायक के बने वो 3, या तो 31 हुआ या 39 हुआ। तो अंदाजो तो अपन हो गया या तो 31 हुआ या 39 हुआ। अब अपन यह देख रहे हैं कि ये 31 का है या 39 का है, तो ये देखने के लिए आपको क्या करना है? जैसे 3 × 9 4 × 16 है 16। अब 9 देखो कहेगा ज्यादा नजदीक है, पहले की संख्या ज्यादा नजदीक है, 9 का 9 ही नजदीक है। तो अब हम के लिए हमारा पहला उत्तर की है 31 आपनों के होगा उत्तर होगा। ठीक है, जबकि संख्या का ज्यादा अगर पहले वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है उत्तर क्या होगा? पहले वाला। अगर बाद वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है उत्तर क्या होगा? बाद वाला। ठीक है, आगे सुन रहे हैं, एक और लिखो निश्चित जल्दी से बता दीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 2401 वर्ग मीटर है। परिमाप और विकिरण ज्ञात कीजिए। परिमाप व विकिरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को? परिमाप और विकिरण। जल्दी से बता दो ये उत्तर आओगे। परिमाप और विकिरण 164 आएगा।
गुणचास एंड रूट है दो। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको सवाल के अंदर, वर्ग का क्षेत्रफल, और आपसे पूछा है परिमाप और है विकिरण। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अरे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आप दो सेकंड में क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है तो बटुक क्या निकालनी पड़ेगी आपने, भुजा क्या निकालनी पड़ेगी, क्षेत्रफल से क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा कितनी है, भुजा निकाला आप क्षेत्रफल को पहले सूत्र रखो, भुजा की स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मान कितना है, वो आ गया। अब भुजा कितनी है, कौन ध्यान भुजा कितनी है, तो वो ट्रिक को है एमो आपा वर्गमूल निकाला, स्क्वायर हटा उसके लगा देओ अंडर रूट, एमो मान कितना है निकालता तब क्या करूंगा, दो दोगा एक को लास्ट में क्या है, एक तो एक है और एक क्या है शून्य हो गए। अब 24 देख लो, 5 की स्क्वायर 25 तो ज्यादा हो गई, 4 की स्क्वायर है 16, तो पहले लॉक किया हुआ 5 4, या तो ये 41 का है या 49 का। अब आप लोगों को ये देखना है कि ये किसका है, 41 का या 49 का, दो संख्या आप बैगन आ गई। अब दो अंक किशोर है, दो अंक किशोर देखकर कहता देखो क्या 4 की स्क्वायर कितना है 16, हमें बीच की संख्या है 4 की स्क्वायर 16, 24 हमें बीच में है और 5 की स्क्वायर कितना है 25, हमें बीच की संख्या है। अब बीच की संख्या है, दोनों देखो अंतर है वो कितना हुआ है, एक को एम अंतर कितना हुआ है, ज्यादा अंतर है, ठीक है कितना है 8 का अंतर है, इनका 8 का अंतर है, तो ये तो ज्यादा ज्यादा नजदीक है, 24 किसके ज्यादा नजदीक है, 5 किसके पड़ोस के ज्यादा नजदीक है, 5 बाद वाली से ज्यादा नजदीक है, आपका उत्तर क्या हो सी बाद वाला, यानी भुजा कितनी आ गई, 49 आ गई, भुजा आ गई इसकी 49, भुजा कितनी है 49। आपसे पूछा क्या है परिमाप, और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 49, 49 ना पर 4 ऊपर कितना जाएगा 900 का 36, 3 400 का 16, 16 और 3 है 19 मीटर, ये तो इसका क्या आ जाएगा परिमाप 196 मीटर। क्षेत्रफल के सॉरी एक ये पूछा मैंने विकिरण, और विकिरण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 2 गुणा भुजा, अंडर रूट 2 गुणा भुजा, भुजा कितनी है 49, 49 अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा इसका विकिरण आ जाएगा मीटर, ठीक है पल्ले पड़े है। अपन सवाल के अंदर जिस चीज दे रखी है, परिमाप दे रखे तो परिमाप तुलना कर दो, क्षेत्रफल दे रखे तो क्षेत्रफल तुलना कर दो, विकिरण दे रखे तो विकिरण तुलना कर दो, ठीक है। बटुआ आप क्या निकाल लेगा, भुजा निकाल लेगा, भुजा निकालने के बाद में अगर आप परिमाप पूछे तो परिमाप निकाल लेगा, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल निकाल लेगा, विकिरण पूछे तो विकिरण निकाल लेगा। बाकी और सवाल में कोई कंडीशन दे रही है तो मैं बता रहा हूं सवाल निकाल दे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है मिलते हैं अगले एपिसोड, बाकी आप कल पटाना।